दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम चल रहे हैं सीधे TVS के नज़दीकी शोरूम पे, जहाँ पे हम देखेंगे कुछ बाइक्स, कुछ स्कूटी। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि आज जो भी अच्छा लगने वाला है, या फिर बाइक या फिर कोई भी स्कूटी, वो आज हम खरीदने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो, इसको ही हम लोग लेने का विचार तो कर लिए हैं। तो चलिए, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी किए जाए और स्कूटी सीधे घर लेके आया जाए। तो चलिए, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो पूरे कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि आज जो मैं स्कूटी लेने वाला हूँ, ये एक्चुअली मैं फाइनेंस करवाने वाला हूँ, ताकि पैसे जो है वो रैंडम एक टाइम में ना देना पड़े, और जो मंथली वाइज हो वो धीरे धीरे करके दें। तो चलिए, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं। तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ है डॉक्यूमेंट्स के, तो उसे हम लोग पूरा कर लेते हैं। इसके बाद से हम लोग बाइक लेंगे और जाएंगे सीधे घर। डॉक्यूमेंट के सारे काम तो हो गए हैं, तो अब क्यों ना जो स्कूटी में कुछ एक्सेसरीज़ हैं जो लगने वाले थे एक्सटर्नल, वो लगा के और हम लोग पूरा काम करके घर सीधे जाएं, क्योंकि थक चुका हूँ। सुबह से यहाँ पे 4 से 5 घंटे हम लोगों ने अभी तक स्पेंड, क्या बोलूँ यार, काफ़ी परेशानी है। भूखे हैं, कुछ खाए भी नहीं है, क्योंकि एक्साइटेड हूँ बहुत मैं हूँ। और मेरा एक दोस्त है साथ में, MD सवान रज़ा, उनसे भी मैं मिलाता हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे कुछ सामने में कुछ कांच लगने वाला है, वो काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव लगा। और इसका जो वो है ना मिरर है, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी लुक है। और इसका सीट कवर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इस पर मैं सीट कवर चढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कंपनी की तरफ से ये काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी खूबसूरत है मुझे लगा, यही मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इस वीडियो का कुछ खास पार्ट जो है वो अभी बाकी है, वो सरप्राइज़ है आपके लिए, तो प्लीज़ उसका इंतज़ार कर लें। बस मैं 1 मिनट के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ किसी को, और मैं बताने वाला कुछ खास चीज़, तो वो एक्चुअली में वही सरप्राइज़ है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखते रहें बस थोड़ी देर। तो दोस्तों, ये जो जुपिटर क्लासिक है, TVS जुपिटर क्लासिक, पता है किसका है? MD सवान रज़ा टेक्निकल, आपने देखा होगा शायद इन्हें यूट्यूब पे, इन्होंने लिया है। तो ये जो किए हैं, ये डाउन पेमेंट एक्चुअली में बस 29,000 समथिंग इन्होंने डाउन पेमेंट किया, और बाकी जो है इन्होंने फाइनेंस करवाया है 12 महीने के लिए ना, 24 महीने के लिए इन्होंने फाइनेंस करवाया है। तो मेरे ख्याल से ये जुपिटर क्लासिक काफ़ी बढ़िया है, तो इसकी राइडिंग करेंगे और देखते हैं क्या मज़ा आता है, ठीक है? तो जब तक गाड़ी फिट होता है, तब तक हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं, और गाड़ी के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे फिट होता है, ठीक है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार इस गाड़ी को चलाने के लिए, क्योंकि मैंने स्कूटी से पहले चलाया नहीं था, तो
इसलिए मैं खास करके एक्साइटेड हूँ। तो मैंने ही इसे राय दिया था कि इन्होंने बोला था कि मैं स्कूटी लेने वाला हूँ सेकेंड हैंड, बट इन्होंने फिर सोचा कि नहीं, जुपिटर की भी मार्केट में चल रहा था, काफ़ी अच्छा है तो सक्सेस भी है, तो इसने सोचा कि वही लिया जाए, ठीक है, इसलिए इसने लिया। तो देखते हैं कि चला के कैसा होता है, ठीक है, और क्या मज़ा आता है। तो पहली राइडिंग हम खुद करेंगे, इसके हाथ से सामान ले जा, फिर मज़ा आने वाला है बहुत। तब तक देखिए आप कैसे कैसे फिट होता है। तो ये गाड़ी का लास्ट काम ही है जो नंबर प्लेट लगते हैं आगे और पीछे। इसके होने के बाद मैं राइड करूँगा, सबसे पहले टेस्ट ड्राइव करूँगा और जब अच्छा लगा तो मैं इसके ऑनर को मैं इसे सौंप दूँगा। तो चलिए मज़ा आने वाला है दोस्तों। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कोई कंजूसी ना किया करें यार, मैं 1000 लाइक का उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पे, तो प्लीज़ लाइक करें। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में घंटा भी दबा लें। तो चलिए, अब राइडिंग के टाइम आ चुके हैं।